हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीलम मिश्रा, स्वागत है आपका मेरे चैनल में प्रिपरेशन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस फॉर नेट जेआरएफ एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण डैम के बारे में जानकारी, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में कॉमन है। ये लगभग हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो अभी आपकी परीक्षा यूपीपीएससीएस की बहुत ही करीब है, आरओएआरओ का एग्जाम होने वाला है आपका, उसकी दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। देखते हैं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसके अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिससे लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। उन्हें भी, अगर वो इसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिले। तो चलिए, अब बिना हम टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये जानकारी हम जो लेके आए हैं वो डैम के बारे में है, यानी कि बांध। हिंदी में से बांध बोलते हैं, जो नदियों के किनारे बनाते हैं। इसे इसमें पानी रोक के हम बनाते हैं नदियों के किनारे, जो हमने स्टेट वाइज तैयार कर लिया है। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम्स इन इंडिया। देखिए, अभी हम आंध्र प्रदेश से स्टार्ट कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ये डैम है, पहला नागार्जुन सागर डैम। ये 1967 में एस्टेब्लिश हुआ। कहाँ पे हुआ? कृष्णा रिवर पे, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। और ये दूसरा है श्यामा सागर डैम, 1977 में एस्टेब्लिश हुआ। गोदावरी रिवर पे है ये डैम। कहाँ पे है ये गोदावरी रिवर पे, कहाँ पे ये डैम एस्टेब्लिश है? निजामाबाद तेलंगाना इंडिया में। तीसरा है श्रीशैलम, ये भी डैम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कृष्णा रिवर पे एस्टेब्लिश है। कब ये एस्टेब्लिश हुआ? 1981 में। ये 1981 में एस्टेब्लिश हुआ। और कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में महाबली, आंध्र प्रदेश में ये कहाँ है? महाभुवनगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है। और तीसरा है चौथा है सोमासिला डैम, जो कि 1989 में एस्टेब्लिश हुआ। ये है पेनार रिवर पे, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है ये। तो ये चारों डैम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये परीक्षा की दृष्टि में इम्पोर्टेंट डैम है। और भी डैम है इसके अलावा, लेकिन ये मैं कुछ इम्पोर्टेंट ही यहाँ पे लेके आई हूँ। नागार्जुन सागर डैम और श्री जो कि कृष्णा रिवर पे है, श्यामा सागर जो कि गोदावरी रिवर पे है, और श्रीशैलम जो कि कृष्णा रिवर पे है, और सोमाशिला जो कि पेन्नार रिवर पे है। तो ये आप इसको याद रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, ये बिहार में कुछ इम्पोर्टेंट डैम के बारे में देख लेते हैं। ये एक ही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही नोट किया है यहाँ पे से। नागी डैम बिहार में है, 1958 में एस्टेब्लिश हुआ। कहाँ पे? नागी रिवर पे। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एक चेक कर लीजिएगा। ये रिवर है, नागी रिवर पे एस्टेब्लिश है, जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में। और फिर ये देखिए, गुजरात में आइए देख लेते हैं। गुजरात में ये है उकई डैम, जो कि 1972 में एस्टेब्लिश हुआ। कहाँ पे है ये? ताप्ती रिवर पे है ये, सूरत डिस्ट्रिक्ट में, एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट एंड तापी डिस्ट्रिक्ट, ये ताप्ती रिवर पे है, सूरत और तापी डिस्ट्रिक्ट में है। और दूसरा है ये सरदार सरोवर डैम। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम है, ये लगभग हर परीक्षा में एक बार पूछ ही लिया जाता है, तो इसको जरूर से याद रखें। और ये इसलिए भी कुछ इम्पोर्टेंट हो गया इस एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अभी इस पे कुछ चर्चा, ये हाल ही में न्यूज में भी था, सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे एस्टेब्लिश है? नर्मदा रिवर पे है ये, और नवागाम तापी डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात यहाँ पे है। और इसका जो टोटल एस्टिमेट है वो कितना है, देखिए 77,01,775 एकड़ फिट इसका टोटल एस्टिमेट है। और ये देखिए, ये अभी हाल में न्यूज में ही था, क्या था कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
डेडिकेटेड इंटर स्टेट मल्टीपर्पज सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा डैम प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जा रहा है, एट केवादिया गुजरात टू द नेशन ऑन ओकेजन ऑफ 67th बर्थडे। सरदार सरोवर डैम इज द हाइएस्ट डैम एवर बिल्ट इन इंडिया एंड द सेकेंड बिगेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आफ्टर ग्रैंड कालुई डैम इन यूएस। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम है आफ्टर द फर्स्ट कौन सा है, ग्रैंड कालुई डैम जो कि यूएस में है, उसके बाद ये सेकेंड ग्रेविटी डैम है वर्ल्ड में आपका कौन सा, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, देखिए ये गुजरात में ही ये तीसरा डैम है, कडाना डैम जो कि 1989 में एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे, माही रिवर पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में, माही रिवर पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में ही। और ये चौथा है कारजन डैम जो कि 1987 में एस्टेब्लिश हुआ, कारजन रिवर पे गुजरात में ही। ये देखिए हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी डैम कुछ इम्पोर्टेंट, ये भी डैम इम्पोर्टेंट है बहुत, हिमाचल प्रदेश में ये डैम एस्टेब्लिश है, सॉरी भाखरा नागल डैम, ये इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, 1963 जो कि सतलज रिवर पे है, कहाँ पे है, बिलासपुर जी हिमाचल प्रदेश में है। और दूसरा है ये पोंग डैम, बीज डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है, 1974 में एस्टेब्लिश हुआ ये डैम, और ये बीज रिवर पे है, सॉरी ब्यास रिवर पे है, और ये कहाँ पे है, ब्यास रिवर पे, ये कहाँ पे एस्टेब्लिश है, ये तलवारा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है ये। और ये हिमाचल प्रदेश में ही तीसरा जो इम्पोर्टेंट डैम है वो चेमेरा आई डैम जो कि 1994 में एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे, रावी रिवर पे, चंबा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में। और ये देखिए आप झारखंड में देख लेते हैं, झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट डैम है, मैंने बस इम्पोर्टेंट ही नोट किया है। तो देखिए ये झारखंड में जो पहला है वो मैथान डैम है जो कि 1957 में एस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ पे, बराकार रिवर पे, धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। फिर ये दूसरा है पंचेत डैम जो कि 1959 में एस्टेब्लिश हुआ, दामोदर रिवर पे, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ही। और ये तीसरा है टेनुघाट डैम जो कि 1978 में एस्टेब्लिश हुआ, दामोदर रिवर पे, और ये कहाँ पे है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। और ये देखिए फिर देख लेते हैं अब कर्नाटका में, कर्नाटका राज्य में हमारा कौन कौन सा, कर्नाटका स्टेट में कौन कौन से डैम है, कृष्णा राजा सागर डैम जो कि 1932 में एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे, कावेरी रिवर पे ये है, और कावेरी रिवर मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, इसका जो टोटल एस्टीमेट डिस्टेंस है वो 1.4 किलोमीटर क्यूब है। और देखते हैं फिर तुंगभद्रा डैम 1953 में एस्टेब्लिश हुआ, तुंगभद्रा रिवर पे जो कि हॉस्पेट इन डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका में है। फिर ये भद्रा डैम जो कि 1965 में एस्टेब्लिश हुआ भद्रा रिवर पे, ये कहाँ पे है, चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है, तरिकेरे तालुक कर्नाटका में ही। चौथा है ये लिंगनामा की डैम जो कि 1965 में एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे, शरावती रिवर पे लिंगा नमाकी सागर तलुक डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में है। मालाप्रभा डैम जो कि 1972 में एस्टेब्लिश हुआ, मालाप्रभा रिवर पे जो कि बेल्जियम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। एक चीज आप और नोटिस करिए, ये जो मैंने जितने डैम के नाम और वो जो एस्टेब्लिश जिस ईयर में हुए हैं वो ब्लू कलर में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और रेड कलर में सारे रिवर के नाम है जिस रिवर पे उनको बनाया गया है, और ये ग्रीन कलर में जहां पे जिस डिस्ट्रिक्ट और जिस स्टेट में है वो मैंने मेंशन किया है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो। ठीक है, ये हिटकल डैम जो कि 1977 में एस्टेब्लिश हुआ,
घट प्रभा रिवर पे, बेल्जियम डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। और ये सेवन है हेमावती डैम, जो कि 1979 में एस्टैब्लिश हुआ, कहाँ पे? हेमावती रिवर पे, कहाँ पे? हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। और ये आठवां है सुपा डैम, जो कि 1987 में एस्टैब्लिश हुआ है, कहाँ पे? काली नदी यानी काली रिवर पे, उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। फिर ये है लख्या डैम, जो कि 1994 में एस्टेब्लिश हुआ, लख्या रिवर पे, चिकामगलुरु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है ये। 10 है अलमट्टी डैम, जो कि 2005 में एस्टेब्लिश हुआ, कृष्णा रिवर पे है ये, कहाँ पे है? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। आइए अब देख लेते हैं केरला के कुछ इम्पोर्टेंट डैम। ये हमको जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आरओ और एआरओ का एग्जाम बहुत ही करीब है और आपके पास अभी टाइम नहीं बचा है। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया ये वीडियो अपलोड करने में, तो देखिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम इसको। केरला, यहाँ पे है ये, केरला में है कक्की डैम, जो कि 1966 में एस्टेब्लिश हुआ, कक्की रिवर पे। इसमें कुछ बहुत समझाने वाला नहीं है आपको, क्वेश्चन में बस रिवर डैम का नाम दे देगा, रिवर पूछ लेगा, या इस रिवर पे कौन सा डैम है ये पूछ सकता है, इस डिस्ट्रिक्ट ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछ सकता है। तो आप इसको केयरफुली पढ़िए, और ये आप बस पढ़ना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। मैंने स्टेट वाइज तैयार किया है इसको आपको, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। दूसरा है ये किदुक्की डैम, जो कि 1973 में एस्टेब्लिश हुआ है, पेरियार रिवर पे, इदुक्की केरला में है ये। और इसका जो टोटल एस्टिमेट है वो ये है, आप इसको देख लीजिएगा, ये संख्या कितना है। चेरुथोनी डैम 1976 में एस्टेब्लिश हुआ, पेरियार रिवर पे, जो कि इदुक्की केरला में ये भी है। और ये कुलामावा डैम 1977 में एस्टेब्लिश हुआ है, कलियार रिवर पे, इदुक्की केरला में ही ये भी है, इदुक्की में ही है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला। पांचवा है ये इदामलायार डैम, जो कि 1985 में एस्टेब्लिश हुआ, इदामलायार और पेरियार रिवर पे, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरला में है। ये इंपॉर्टेंट डैम है, इसके बारे में याद रखिएगा, इदा मलायार डैम, जो कि 1985 में एस्टेब्लिश हुआ, कौन से रिवर पे है? ये पेरियार रिवर पे है। फिर आ जाते हैं मध्य प्रदेश स्टेट में, मध्य प्रदेश स्टेट में ये देखिए, ये गांधीनगर डैम है, सॉरी गांधी सागर डैम, जो कि 1960 में एस्टेब्लिश हुआ, और इसका स्टेज फर्स्ट 1960 में एस्टेब्लिश हुआ, और 1970 में इसका स्टेज सेकंड एस्टेब्लिश हुआ, स्टेज सेकंड कंप्लीट हुआ। ये कहाँ पे है? चंबल रिवर पे बना है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी से बनता है। और ये कहाँ पे है? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। ये है तावा डैम, जो कि 1974 में एस्टेब्लिश हुआ, तावा रिवर पे, ये कहाँ पे है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। तीसरा, ये मध्य प्रदेश का तीसरा इंपॉर्टेंट डैम है, इंदिरा सागर डैम, ये भी इंपॉर्टेंट डैम है, इसको भी भूलिएगा मत, याद रखिएगा, ये भी लगभग परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और ये नर्मदा रिवर, इंदिरा सागर डैम, जो कि नर्मदा रिवर पे है, कौन सा? मुंडी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है ये। फिर ये देख लेते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कुछ इम्पोर्टेंट, ये देखिए ये डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। कोयना डैम, ये कब स्टेब्लिश हुआ? 1964 में, कहाँ पे है ये? कोयना रिवर पे है, और सतारा डिस्ट्रिक्ट में है ये, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में है ये कोयना डैम, कोयना रिवर पे स्टेब्लिश है, कब स्टेब्लिश हुआ? 1964 में। इसका टोटल एस्टिमेट जो एरिया है वो कितना है? 22,67,900 एकड़ फीट है। और ये आ जाइए सेकेंड, जया कवादी, जो कि पैथन भी के नाम से भी जाना जाता है, जया कवादी डैम 1976 में एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे? गोदावरी रिवर पे, औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है।
इसका टोटल ये आप संख्या याद कर लीजिएगा। ये डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आने वाला है, हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये अभी हाल में न्यूज में था कि ये देखिए एक क्वेश्चन भी मैंने इसके लिए है, द जयाकवादी डैम व्हिच वाज रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया। ये है गोदावरी रिवर। देखिए क्या किस बात को लेके ये इस टाइम चर्चा में था। रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू रिलीज वाटर इनटू द जयकवादी लोकेटेड ऑन द गोदावरी रिवर एट द साइट ऑफ जयकवादी विलेज इन पैथान तालुका ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश स्टेट। तो ये देखिए इसी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को के जो को ये आदेश दिया है, हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू रिलीज वाटर इनटू द जयकवाडी डैम, गोदावरी रिवर के वाटर को जयकवाडी डैम में रिलीज करने के लिए बोला है हाई कोर्ट ने। तीसरा है इम्पोर्टेंट, कौन सा है, ईसापुर डैम 1982 में स्टेब्लिश हुआ। पेंगंगा रिवर पे है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये चौथा है टोटला डो डैम 1989 में स्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे, पेंच रिवर पे, जो कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में। पांचवा है वरना डैम, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। वरना डैम, वरना डैम जो है ये 2000 में स्टेब्लिश हुआ वरना रिवर पे, जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र में है। छठा है भाटसा डैम, ये 1983 में स्टेब्लिश हुआ, ये कहाँ पे है, ये भाटसा एंड चोरना रिवर पे है, थाने डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में है। और ये देख लेते हैं फटाफट ओडिशा, ओडिशा के ओडिशा राज्य के कुछ इम्पोर्टेंट डैम है, हीराकुंड डैम, ये आप याद रखिएगा, हीराकुंड डैम अक्सर आप न्यूज में सुने होंगे। हीराकुंड डैम 1957 में स्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे है, ये महानदी रिवर पे है स्टेब्लिश हुआ है, ये कहाँ पे है, सांबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा के, ये इसका टोटल एस्टिमेट एरिया है। एंड क्या है दूसरा, उड़ीसा का दूसरा इम्पोर्टेंट डैम रेंगाली डैम 1985 में स्टेब्लिश हुआ। ब्राह्मणी रिवर पे कहाँ पे है, अंगुल डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, ये उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा कौन सा है, अपर कोलाब डैम, जो कि 1985 में स्टेब्लिश हुआ, कौन सा, अपर कोलाब डैम, ये जो कि कोलाब रिवर पे है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, उड़ीसा के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये कोलाब रिवर पे। ओडिशा का चौथा इम्पोर्टेंट डैम जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए इंद्रावती डैम 1996 में इस्टेब्लिश हुआ, इंद्रावती रिवर पे, ये कहाँ पे है, नौरंगापुर डिस्ट्रिक्ट इन नौरंगापुर और भद्रक डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। और ये कापुर डैम है, जो कि 1996 में इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे, कापुर रिवर पे ये इस्टेब्लिश हुआ है, कापुर रिवर पे ये है, कापुर रिवर पे, और ये कहाँ पे है, नौरंगापुर और भद्रक डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, उड़ीसा के नौरंगापुर और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में है ये कापुर डैम। छठा है मुरान डैम, जो कि 1996 में स्टेब्लिश हुआ मुरान रिवर पे, और ये नौरंगापुर और भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ये भी है। सातवां है पोडागाडा डैम, पोडागाडा डैम जो कि 1996 में स्टेब्लिश हुआ पोडागाडा रिवर पे, नौरंगापुर और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ही ये भी है उड़ीसा में। पंजाब में कुछ इम्पोर्टेंट है, पंजाब के देख लेते हैं, ये एक ही इम्पोर्टेंट है पंजाब का, रणजीत सागर डैम, जो कि थेन डैम के नाम से भी जाना जाता है, थेन डैम, और ये 2001 में स्टैब्लिश हुआ राबी रिवर पे, ये राबी रिवर पे है रणजीत सिंह सागर डैम। पठानकोट डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में है ये। और आइए देख लेते हैं राजस्थान के इम्पोर्टेंट डैम, राजस्थान का जो इम्पोर्टेंट डैम है वो है राणा प्रताप सागर डैम, जो कि 1970 में एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे, चंबल रिवर पे, ये चंबल रिवर पे है, इम्पोर्टेंट डैम है राणा प्रताप सागर डैम, चंबल रिवर पे एस्टेब्लिश हुआ है 1970 में, जो कि चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है महाई बजाज सागर डैम, जो कि 1983 में एस्टेब्लिश हुआ है महाई रिवर पे, सॉरी माही रिवर पे, कहाँ पे है ये, बंसवारा डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, राजस्थान के बंसवारा डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा है बिसालपुर डैम, जो कि 1999 में एस्टेब्लिश हुआ बानस रिवर पे, ये टोंक डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट में है।
ये देखिए अभी मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये ज्यादा है, वीडियो उतने में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मैं सोचूं कि ये वीडियो एक साथ आ जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं और से ना लेना पड़े। तो ये देखिए तमिलनाडु, अब देख लेते हैं तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट जो डैम है, मेत्तूर डैम जो कि 1934 में स्टैब्लिश हुआ कावेरी रिवर पे, और सलेम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु के मेत्तूर सलेम सलेम डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है सोलायर, सोलायर डैम जो कि 1971 में स्टेब्लिश हुआ, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, सोलायर डैम जो कि 1971 में स्टेब्लिश हुआ सोलायर रिवर पे जो कि कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु में है। तीसरा है भवानी सागर डैम, लोअर भवानी डैम जिसको भी लोअर भवानी डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1955 में स्टेब्लिश हुआ भवानी रिवर पे, और ये इरोड डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट में है। ये देख लेते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट डैम है कौन कौन से है। ये राम गंगा डैम 1974 में एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे, राम गंगा रिवर पे, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में, पौड़ी, ये इम्पोर्टेंट डैम है, इसको भी याद रखिएगा। तो जो उत्तराखंड के तीन इम्पोर्टेंट डैम है, देखिए दूसरा है जमरानी डैम, जमरानी डैम जो कि 1990 में एस्टेब्लिश हुआ गोला रिवर पे, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, ये गोला रिवर पे 1990 में एस्टेब्लिश हुआ जामरानी डैम। और ये टेहरी डैम, ये भी इम्पोर्टेंट डैम है, देखिए ये टेहरी डैम, ठीक है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैंने उसका टोटल एस्टिमेट एरिया भी दे रखा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। टेहरी डैम जो कि 2006 में स्टैब्लिश हुआ भागीरथी रिवर पे, टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, इसका ये टोटल जो एस्टिमेट एरिया है आप इसको देख लीजिएगा, 32 लाख एकड़ फीट है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश में, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें लगता है आरओ एआरओ के एग्जाम से, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उत्तराखंड और यूपी से आएंगे आपके इस एग्जाम में, यूपीपीसी से ये। और ये देख लिए, अब उत्तर प्रदेश में हमारे जो कौन कौन से डैम है, रिहंद डैम जो कि 1962 में स्टेब्लिश हुआ रिहंद रिवर पे, और ये कहाँ है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, और ये 10.6 बिलियन क्यूबिक मीटर इसका टोटल एस्टिमेट एरिया है। दूसरा आ जाइए, कौन सा है, दूसरा माटा टीला डैम, माटा टीला का नाम आपने सुना भी होगा, माटा टीला जो डैम जो है वो 1964 में एस्टेब्लिश हुआ कौन से रिवर पे, बेतवा रिवर पे, 1964 में बेतवा रिवर पे एस्टेब्लिश हुआ, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा है राजघाट डैम 2006 में एस्टेब्लिश हुआ, और ये भी बेतवा रिवर पे है, अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश एंड ललितपुर उत्तर प्रदेश, ये दो जगह है। राजघाट डैम 2006 में स्टेब्लिश हुआ, ये बेतवा रिवर पे है जो कि अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट में भी है, और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आ जाते हैं लास्ट वन, ये है लास्ट, ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डैम है, वेस्ट बंगाल का एक ही है यहाँ पे मैंने नोट किया जो एक इम्पोर्टेंट डैम है, गंगा सावती डैम, शाब्ती शाब्ती डैम सॉरी गंगा सावती डैम जो कि 1965 में स्टेब्लिश हुआ है गंगा सावती एंड कुमारी रिवर पे, ये कहाँ पे है, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट पे है, गंगा शाब्ती डैम 1965 में स्टेब्लिश हुआ। ये देखिए जो उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंट डैम है कौन सा है, रिहंद डैम है, 1962 में स्टेब्लिश हुआ रिहंद रिवर पे, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा है माटा टीला डैम, ये बेतवा रिवर पे है, कहाँ पे, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और तीसरा है राजघाट डैम जो कि 2006 में स्टेब्लिश हुआ है बेतवा रिवर पे, ये अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश एंड ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तराखंड का देख लीजिए एक बार फिर से रिविजन कर लीजिए, राम गंगा डैम 1974 में राम गंगा रिवर पे स्टेब्लिश हुआ पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, ये जामरानी डैम 1990 में स्टेब्लिश हुआ जो कि गोला रिवर पे है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, 2006 में स्टेब्लिश हुआ है भागीरथी रिवर पे टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, ये इसका आप एरिया भी याद कर लीजिएगा कितने एरिया में है, ठीक है। आज के लिए बस धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ इम्पोर्टेंट, अब क्योंकि मैं इतना बड़ा वीडियो बनाती हूँ और मैं सारा डेटा एक साथ ही कलेक्ट करके ही देना चाहती हूँ ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो बच्चों को, तो आप इसको पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी अपलोड करूंगी, आप मेरी चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए।
और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप भूल भी जाते हैं और सब्सक्राइब किए हैं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।